पार्टी लगातार मतलब एनडीए के साथ रही है, बीजेपी के साथ रही है 10 सालों से। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में आ रहा है, जो हमें महाराष्ट्र में भी भारी धक्का पहुंचा। हमारी सीटें 35 से 40 तक आनी चाहिए थी, लेकिन 17 सीटें हमारी सुनकर वहां आई। लेकिन जो वोट परसेंटेज है, ये वोट परसेंटेज महाविकास आघाड़ी और जो महायुति हमारी थी उसमें आगे पीछे मतलब इसका तो परसेंटेज है। तो आने वाले विधानसभा में हम एक साथ लड़ेंगे और विधानसभा में जरूर मतलब हमारी महायुति की सरकार, एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर का विषय उठाने विषय नहीं था क्या? राम मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही आया और उन्होंने वहाँ 500 साल पहले वहाँ राम मंदिर था और मुगल आने के बाद राम मंदिर डिमोलिश हुआ था, इसीलिए मतलब पूरे प्रूफ देख सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और मोदी जी के कार्यकाल में वो मंदिर बना। लेकिन जो मतलब दलित और माइनॉरिटी का वोट जो है ये मतलब इसलिए मतलब हमसे दूर हो गया, लेकिन उसमें तो दलितों का भी अनेक जगह पर हमको वोटिंग मिला है। मध्य प्रदेश में हमारी 29 29 सीटें चुनकर आई है, और उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ भी हमारी सीटें अच्छी चुनकर आई है। और एक तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, या तीन जगह पर हमको जो अपेक्षा आई थी उससे काफी सीटें कम आई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर के विषय पर ये नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन संविधान बदला जाएगा और आपका आरक्षण निकाला जाएगा, ये प्रचार बहुत धूमधाम से इन लोगों ने किया और लोगों के मन में ये बैठा कि ये इनकी सिटी इतनी ज्यादा आएगी तो संविधान बदला जाएगा या क्या, वो भी तो सोचे बीजेपी नहीं। नेता ने नहीं, बयान दिया था सर, वो भी एक बीजेपी नेता ने बयान दिया था कि बीजेपी गंगा 400 सीट आई। बीजेपी नेता ने जो अयोध्या के लल्लू सिंह में वो तो हार गए, लेकिन लल्लू सिंह जैसे वो बोले थे, लेकिन ये कोई बीजेपी की भूमिका नहीं थी।